जिस राम के नाम को ही सत्य माना जाता है, जिस राम को भगवान माना जाता है, जिस राम के नाम पर महाकाव्य रामायण लिखी गई, अयोध्या में जिस राम का भव्य मंदिर बनाया गया, जो राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उन्हीं राम के अस्तित्व पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस बार जगह है तमिलनाडु, जहां इनके स्टालिन सरकार में मंत्री एसएस शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया। एसएस शिवशंकर ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है जो भारत और दुनिया भर में अरबों लोगों के पूजनीय हिंदू देवता राम के अस्तित्व को साबित कर सके। तमिलनाडु के अरियालोर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएमके नेता शिवशंकर ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों का कर्तव्य है कि वे चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की विरासत का जश्न मनाएं और उनका सम्मान करें, या अन्य लोग उन्हें कुछ ऐसा मनाने के लिए मजबूर करेंगे जिससे उनका कोई संबंध नहीं। एसएस शिवशंकर ने दावा किया कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, जबकि चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के होने के प्रमाण हैं। उनके बनाए गए तालाब और मंदिर हैं, कई लिपियों में उनके नाम का उल्लेख है, उनकी कई मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन राम के अस्तित्व का कोई प्रमाण या इतिहास नहीं है। लोग उन्हें अवतार कहते हैं, लेकिन अवतार का जन्म नहीं होता, यह हमारे इतिहास को छिपाने और एक और इतिहास को दिखाने के लिए किया जा रहा है। स्टालिन के ट्रांसपोर्ट मंत्री शिवशंकर ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा तो इसका विरोध शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने डीएमके पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। डीएमके लीडर्स ऑलवेज बिलीव इन इंसल्टिंग ओनली हिंदू गॉड्स, दे डू नॉट क्रिटिसाइज और क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स ऑफ एनी अदर रिलीजन। राम के नाम पर शुरू हुई इस बयानबाजी पर जेडीयू भी पीछे नहीं रही और डीएमके नेता शिवशंकर को लोगों की आस्था से जुड़े मुद्दों पर संभल कर बयान देने की सलाह दी। समूचे उत्तर भारत में भगवान राम से ज्यादा मर्यादित कोई व्यक्तित्व नहीं दिखता है, फिर भी मेरा निवेदन है डीएमके के साथियों से को ऐसे वक्तव्यों से बचे। इस बीच कांग्रेस ने इसे डीएमके नेता का निजी बयान बताते हुए मामले से किनारा करने की कोशिश की। ये उनकी क्या है आस्था क्या नहीं है वो जाने, जहाँ तक हमारा सवाल है, मेरा व्यक्तिगत भी और एक समूह के रूप में, भगवान राम हम लोगों के बहुत ही सम्मानित हैं और ईश्वर से ज्यादा एक तरह से कहा जाता है कि राम तो हमारे रोम रोम में बसते हैं। इससे पहले भी डीएमके नेता भगवान राम और राम सेतु को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन राम सेतु के साक्षात प्रमाण कई बार मिले हैं, जिसे नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने भी साबित किया, लेकिन इसके बाद भी डीएमके नेता भगवान राम के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि इस मुद्दे पर वो बार बार विवादित बयान देकर लोगों की आस्था पर हमला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।